नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आधुनिक इतिहास। जी हाँ दोस्तों, इस आधुनिक इतिहास से 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ उनसे निवेदन है कि वह मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच सके और आप हमारे उस वीडियो को भी आप आसानी से देख सकें। चलिए दोस्तों, चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला फैक्ट लिया गया है, अंग्रेजी भारतीय यानी कि अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल कब किया गया था या कब किया गया था। दोस्तों, यह किया गया था दिसंबर 1856 में शामिल किया गई थी। नई राइफल थी जो कि जिसमें चर्बी वाले कारतूस चलते थे। इसके बाद अगला है, भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालीन कारण क्या था। तात्कालीन कारण था दोस्तों, इसका तात्कालीन कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। इसके बाद अगला प्रश्न, मंगल पांडे की घटना कब हुई थी। मंगल पांडे की घटना कब हुई थी यानी कहां हुई थी या घटना हुई थी। तो यह दोस्तों बैरकपुर में हुई थी। ये बैरकपुर में मंगल पांडे ने अपने लेफ्टिनेंट को गोली मार दी थी क्योंकि वो चर्बी वाले कारतूस चलाने पर उसको मजबूर कर रहा था। इसके बाद अगला है, मंगल पांडे सिपाही थे। मंगल पांडे थे वो 34वीं बंगाल रेजिमेंट के सिपाही थे। आप रेजिमेंट भी बोल सकते हैं या फिर बंगाल नेटिव इन्फेक्टी भी बोल सकते हैं या बटालियन भी बोल सकते हैं, इसको सब अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसके बाद अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। यह दिया था बख्तर खान को दिया था। चले आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है, 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों, मुख्य कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। यह बहुत ही ज़्यादा नीतियां का पालन करना पड़ रहा था जो कि बहुत ही कठिन हो रहा था। इसके बाद अगला है, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। कहां से प्रारंभ हुई थी? तो यह दोस्तों मेरठ से प्रारंभ हुई थी। इसके बाद अगला फैक्ट, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कब घटी, पहली घटना कौन सी थी। तो दोस्तों, पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना और वहां पर अधिकार कर लेना। इसके बाद अगला है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। दोस्तों, इसका प्रतीक था कमल और रोटी। इसके बाद अगला है, 1857 के संग्राम के झांसी मेरठ दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था। सबसे पहले किया था दोस्तों, दिल्ली को किया था। चलते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है, इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था या इलाहाबाद में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका है मौलानी लियाकत अली ने किया था इलाहाबाद से नेतृत्व। इसके बाद अगला है, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाही की सर्वाधिक संख्या कहां से थी। सर्वाधिक संख्या थी दोस्तों अवध से, अवध के सिपाही सर्वाधिक थे। इसके बाद अगला है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। इसके बाद अगला है, अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे। दोस्तों, इसका यह नाना साहेब के सलाहकार थे। इसके बाद अगला है, 1857 के विद्रोह
के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिसे उनके मित्र ने धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था। दोस्तों यह तात्या टोपे थे, तात्या टोपे के मित्र ने धोखा दिया था और तात्या टोपे को बंदी बनवा दिया था, जिससे उनको मार दिया गया था। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला है 1857 के क्रांतिकारियों ने वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, वह कौन थे? दोस्तों यह रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का ही नाम था। इसके बाद अगला है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, यानी कि वह या कहाँ का नेतृत्व कर रहे थे? दोस्तों यह कर रहे थे बिहार का नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह। इसके बाद अगला है, पटना के 1857 स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, यानी कि पटना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राजपूत कुंवर सिंह यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे। पटना बिहार, दोस्तों एक ही है पटना और बिहार एक ही है, ये दोनों नाम भी एक ही है, कुंवर सिंह या राजपूत कुंवर सिंह पटना बिहार का नेतृत्व कर रहे थे। इसके बाद अगला, असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था, असम का नेतृत्व कौन कर रहा था? आप ये भी बोल सकते हैं, तो असम का नेतृत्व कर रहा था दीवान मणिराम दत्त। इसके बाद अगला है, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था, तो उस केंद्र था जगदीशपुर, केंद्र था पटना का। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला है, जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 ईस्वी में बिल्प में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, वह कौन था? तो दोस्तों वह कुंवर सिंह ही था, पहले भी हमें पता दिया है। तो दोस्तों इसके बाद है, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो दोस्तों जगदीशपुर के राजा जैसे कि थे कुंवर सिंह ही थे। इसके बाद अगला है, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों बाद जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? दोस्तों यह पराजित करने वाला था आउबा के ठाकुर कुशल सिंह। इसके बाद अगला है, आजमेर जयपुर नीमच तथा आउबा में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था, तो दोस्तों यह जयपुर नहीं था। इसके बाद अगला है, चंद्रशेखर आजाद राम प्रसाद बिस्मिल और शहादत खान तथा माखनलाल चतुर्वेदी ने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, कहां पर संघर्ष किया था? दोस्तों यह उन्होंने किया था, शहकत खान ने ओनली संघर्ष किया था और उन्होंने भी नहीं किया, चंद्रशेखर तो अलग ही से अपना अपना काम चलाते थे। इसके बाद चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन सा था? तो दोस्तों सर्वाधिक राजवंश था ग्वालियर के राजा सिंधिया राजघराना था। इसके बाद अगला है, भारत में शिक्षित वर्ग मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह से तट रख बनाए रखी थी। इसके बाद अगला है, खेतीहर मजदूर शाहूकार कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया। दोस्तों यह नहीं, किसने नहीं लिया था? तो दोस्तों साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया था, बाकी सब ने लिया था। इसके बाद अगला है, झांसी चित्तौड़गढ़ जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, तो दोस्तों यह चित्तौड़गढ़ नहीं था प्रभावित, बाकी के सभी शहर थे। इसके बाद अगला है, बिहार के दानापुर पटना आरा और मुनफ्फापुर मुंगेर में से 1857 के विद्रोह में अप्रभावित भाग था, यानी कौन प्रभावित नहीं था? तो दोस्तों मुंगेर प्रभावित नहीं था, बाकी सब प्रभावित थे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं, अगला है, वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो दोस्तों यह बी डी
सावरकर थे। इसके बाद अगला है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, यदि है कौन था दोस्तों, यह एस एन सेन थे। इसके बाद अगला है भारतीय भाषा में 1857 के विलुप्त के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था, प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। इसके बाद अगला है तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह वाक्य किसका था दोस्तों, यह वाक्य था आर सी मजूमदार जी का। इसके बाद अगला है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद अगला है 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था, दोस्तों इसका यहाँ का ऑफिसर था जॉन बैटन हेर्सी था। इसके बाद अगला है 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, किसने बनाया था, लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। इसके बाद अगला है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन थे, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्कॉन्ट पामस्टन। इसके बाद अगला है 1857 का विद्रोह मुख्य असफल क्यों रहा या असफल क्यों रहा था, दोस्तों यह असफल रहा था किसी सामान्य योजना और केंद्र संगठन की कमी के कारण यह असफल हो गया था। चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगला है 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ है, दोस्तों इनकी जन्मस्थली है बनारसी। इसके बाद अगला है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, दोस्तों बरेली विद्रोह का नेता था खान बहादुर। इसके बाद अगला है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है, दोस्तों यह ग्वालियर में स्थित है। इसके बाद अगला है रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था खुरूस का। इसके बाद अगला 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा वह कौन थी, यानी कि लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था, लखनऊ का नेतृत्व किया था बेगम ऑफ अवध। इसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है वह महिला जिन्होंने अवध का नेतृत्व किया या 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था, तो वह थी बेगम हजरत महल थी। दोस्तों यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।